अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं कचौड़ी और उसके साथ खाने वाली आलू की सब्जी। ये कचौड़ी स्टफ किया हुआ है मूंग दाल के साथ में। तो आइए हम शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए पहले आटा लेंगे। ये मैदा नहीं है, ये आटा है, नॉर्मल आटा। उस पर नमक और 2 बड़े चम्मच रिफाइंड का, इसको पहले अच्छे से मिलाएंगे और फिर नॉर्मल पानी के साथ भूनेंगे। इस आटे को भूनने के बाद में ये नॉर्मल आटा रहेगा, ये ज्यादा सख्त नहीं रहेगा। इसे ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए। और ये मूंग का दाल है जो हम 2 घंटे पहले भिगा दिए थे, उसे अच्छे से धो के मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। इसको भी 2-4 बार चलाना है, ज्यादा नहीं। दरदरा पेस्ट इसका रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा सा सफेद जीरा और धनिया और हरा मिर्च और आपका लाल मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन सबको साथ में भूनेंगे और थोड़ी सी कलौंजी साथ में हम सबको भूनेंगे। इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। इसमें थोड़ी सी कलौंजी और अजवाइन और 1 छोटा चम्मच जीरा भी है, साथ में मिक्स कर दिए थे। इस तरीके से दरदरा पेस्ट बनाने के बाद हम जो अंदर में मूंग दाल स्टफ करना है, आइए हम उसके लिए तैयारी करते हैं। पहले थोड़ा सा रिफाइंड तेल लेंगे, उसमें हींग और हरा मिर्च को कड़कड़ाने देंगे। उसके बाद थोड़ा सा अदरक का पेस्ट और ये जो मसाला हम रगड़ा पीसे थे उसको डाल देंगे साथ में और चलाते रहेंगे। थोड़ी सी हल्दी नमक, थोड़ा सा ये डालने के बाद इसे अच्छे से भूनते रहेंगे धीमा धीमी आंच में। अब ये जो मूंग दाल का पेस्ट है वो डाल के इसे पानी खुश्क होने तक भूनेंगे। ये जो भून जाएगा 2-4 मिनट के बाद में, इसमें हम थोड़ा सा चने का सत्तू डालेंगे भी। अभी थोड़ा सा पहले इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको नरम होने दे रहे हैं दाल को। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। जब ये नरम हो जाएगा तो 2 छोटे चम्मच सत्तू लेके इसमें मिला के इसे धीमी आंच में भूनेंगे। इसके अंदर में कचौड़ी के डालने के लिए जो बैटर तैयार किया है वो हो गया। हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। एक फ्राई पैन में 4-5 आलू है छोटा, उसे काट के धो के डालेंगे और उसमें पानी डाल देंगे 1 कटोरी, थोड़ा सा नमक। ये कलौंजी है, ये अजवाइन है, हल्दी
और जीरा भुना हुआ और मिर्च, ये सब इस पे डाल दूंगी। एक हरी मिर्च भी डाल दे रहे हैं। अब इसे धीमी आंच पे गलने देंगे। ये उबाल आ गया है, अब इसे ढक के आंच धीमी कर देंगे। ये आटा को 20 मिनट हो चुका है, अब इसको फिर अच्छे से 5 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। अब इसके नींबू के इतने बड़े बड़े लोई बना लेंगे। इसी तरीके से हम सभी की लोइयां बना के रख ली हैं। ये जो स्टफिंग के लिए जो तैयार किए थे मूंग दाल का, इसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये फट जाएगा और तेल पूरा गंदा हो जाएगा। बस थोड़ा सा, आधा चाय का चम्मच डाल के इसे हल्के हाथ से बंद करेंगे। इसे आहिस्ते से चलाते हुए लोई तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सभी में भर लेंगे। अब एक कढ़ाई पे तेल गरम कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल है ये। अब बड़ी कढ़ाई है, हम जो कचौरी की लोइयां तैयार की थी उसे हल्के हाथ से दबा दबा के छोटा छोटा पेड़ा तैयार करके उसे तेल पे डालते जा रहे हैं। आंच धीमा है क्योंकि इसे तलने में 15 से 20 मिनट लगता है कचौड़ियों को तलने में। ये आंच एकदम धीमा होना चाहिए और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं अच्छा होता है करना, क्योंकि ये धीमा रहेगा, जब ये सिक जाएंगे नीचे अच्छे से तो ये खुद तेल के ऊपर में आने लगते हैं। अब इसको धीरे धीरे हल्का हल्का चलाते रहेंगे। अभी हम इसको पलटे नहीं है, इधर हम आलू को भी देखते जा रहे हैं। ये भी गल चुका है, इसे हम हल्का हल्का प्रेस करके थोड़ा सा दबा दे रहे हैं। ये मश आलू होना चाहिए, ये कचौड़ी लाल हो रहा है और एकदम आंच धीमा है। अब इसमें पानी डालेंगे 2 गिलास। दो गिलास पानी डालने के बाद में इसमें उबाल आएगा, उसके बाद ये रेडी होगा। थोड़ा सा हम इसमें आमचूर पाउडर डाल दे रहे हैं। एक चम्मच आमचूर का पाउडर डाल रहे हैं। और ये जो खड़ा मसाला हम धनिया और लाल मिर्च का रखे थे उसे थोड़ा सा डाल देने, अच्छी खुशबू आएगी इससे। रगड़ा धनिया और ये था खड़ा मिर्च जिसे हम हल्का सा मिक्सी में लिखे थे। ये कचौड़ियाँ तैयार हो रही है, अब धीमा करके इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी कचौड़ियाँ तैयार हुई। आपको मेरा वीडियो ये कचौड़ी और आलू की सब्जी की अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी कचौड़ियाँ बनी हैं, बिल्कुल लाल और खस्ता। ये बचा हुआ भी कचौड़ी डाल देते हैं और हम आइए निकालते हैं आलू की सब्जी को। कचौड़ियों के साथ खाने वाली आलू की सब्जी तैयार है और इस पे हम थोड़ा उबला हुआ काबली चना भी डाल दिए थे। ये देखिए ये कचौड़ियाँ कितनी खास्ता और अच्छी बनी है।